बोर्ड का आज जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से दो प्रस्ताव थे और दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। विपक्ष के लोगों ने कुछ हवल्ला जरूर किया था, लेकिन अंत के अंदर वो भी इसके अंदर पास के अंदर मंजूरी दी। विपक्ष का ये कहना है कि भाई उनकी बात सुनी नहीं जाती है, आप क्या कहेंगे? विपक्ष की 10 साल से हम बात सुन रहे हैं, इनकी सरकार थी जब भी ये बातें करते थे सुनते थे। ये विकास की करते हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। हम तो एक साल से हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार इनकी 5 साल तक थी। इन्होंने कौन सा विकास कार्य कराया? हमने हमारे बूते पर नगर पालिका बोर्ड के बूते को पर हमने काफ़ी विकास कार्य कराया। विपक्ष का काम चिल्लाना ही नहीं होता, अच्छे काम के लिए हाँ भी करना होता है, लेकिन यह हर काम के लिए विरोध किया। इन्होंने कभी भी पुष्कर के विकास के लिए बोर्ड को लिख करके एक भी शब्द नहीं दिया कि हमारे वार्ड के अंदर ये कराओ। हम लोगों ने ही सोच करके या हमारे लोगों ने ही सोच करके वहाँ पर विकास के कार्य करवाए। ये जो आरोप लगा रहे हैं विकास कार्य पुष्कर में नहीं हुआ, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि विकास कार्य नहीं हुए पुष्कर के अंदर। 10 सालों में बहुत विकास कार्य हुए, विशेषकर इस एक साल के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे विकास कार्य और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। बोर्ड मीटिंग तो पिछले 5 सालों में जितनी भी हुई मात्र औपचारिकता है। आपके सामने जनगण मन की आड़ में मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाता है, ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। अधिकारियों से भी निवेदन कर लिया, इनसे भी निवेदन कर लिया, हमने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। 5 साल पहले जो लोगों के साथ में इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे, एक भी ये पूरा नहीं कर पाए। अभी भी मैं मेरे वार्ड के लिए, मैं 12 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में पिछले 2 साल से मैं लिख के दे रहा हूँ मेरे वार्ड में काम करवाना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने चहितों की NITIAँ निकाल दी थी और बाकी सब कांग्रेसी पार्षदों की, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ आज की तारीख के अंदर, मेरा भी इन्होंने काम नहीं किया। तो मैंने इनसे निवेदन भी किया था कि भाई कोई काम अगर अटकाना ही है तो मेरा प्रश्न अटकाओ, जनता का क्या काम अटकाते हो। तो हमने तो 5 साल से जनता की मतलब भरसक प्रयास किया सेवा करने का, आगे भी करते रहेंगे। कार्यकाल जिनका ख़त्म हो रहा है होने दो, मेरा कार्यकाल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं जनता के सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगा। इसके कल के बाद में भी जनता अगर मेरे को कोई काम बताती है तो मैं उनके काम पूरे करूंगा। और पर्सनल मतलब अगर नगर पालिका नहीं करती है तो पर्सनल फंडिंग से भी मैं काम पहले भी करवाएं आगे भी करवाता रहूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये और भारतीय जनता पार्टी, मैं मोदी जी का हूँ, मैं सुरेश जी का हूँ, मैं पुष्कर बीजेपी का नहीं हूँ, मैं अलग टाइप की बीजेपी का हूँ, ये ध्यान रखना आप। और ये जो पुष्कर के अंदर जो हालात हुए हैं आज मेले के अंदर, अभी करोड़ों रुपए नगर परिषद ने टेंडर जारी किए, कहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों को या कहाँ नगर पालिका के पार्षदों को कोई 2 पास भी दिए गए? सारे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं यहाँ पे अंधाधुंध। मैंने तो 2.5 साल 3 साल पहले भी वो ठेकेदारों के भुगतान के लिए एक निवेदन किया था, पता नहीं उसमें कौन सी जांच कमेटी गठित करी, उसकी क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं है, आज तक कभी किसी ने शो नहीं किया। या RTI लगाते हैं उसका भी कुछ नहीं मिलता है, और अब भी मेले के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर हैं। आप अगर उनकी जांच तय तक जाओगे तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। वैसे तो कहते हैं वार्डों के लिए पैसे नहीं है, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए के टेंडर ये दिए जा रहे हैं क्या? तो मेरे कहने का मतलब यही है, आज ये 18 नवंबर ये लास्ट बोर्ड की मीटिंग हो गई है। और अब आज भी मतलब 2 प्रस्ताव थे, 2 प्रस्तावों में 4 मिनट की भी चर्चा इनको सहन नहीं होती है। कहने का मतलब यही है कि ये भागते क्यों हैं? अगर जनहित के मुद्दे हैं, जनता के साथ में ये काम करना चाह रहे हैं, तो भागने का प्रोग्राम क्यों रखते हैं? ये जनगणमन की आड़ के अंदर हाथों हाथ मीटिंग को क्लोज करके यहाँ से भाग जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी अब जनता के हाथ में है, आगे जनता समीक्षा करेगी कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किया या क्या काम नहीं किया। आपका आज जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 2 प्रस्ताव थे और दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। विपक्ष के लोगों ने कुछ हवल्ला जरूर किया था, लेकिन अंत के अंदर वो भी इसके अंदर पास के अंदर मंजूरी दी। विपक्ष का ये कहना है कि भाई उनकी बात सुनी नहीं जाती है, आप क्या कहेंगे? विपक्ष की 10 साल से हम बात सुन रहे हैं, इनकी सरकार थी जब भी ये बातें करते थे सुनते थे। ये विकास की करते हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। हम तो एक साल से हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार इनकी 5 साल तक थी। इन्होंने कौन सा विकास कार्य कराया? हमने हमारे बूते पर नगर पालिका बोर्ड के बूते को पर हमने काफ़ी विकास कार्य कराया। विपक्ष का काम चिल्लाना ही नहीं होता, अच्छे काम के लिए
हाँ भी करना होता है, लेकिन ये हर काम के लिए विरोध किया। इन्होंने कभी भी पुष्कर के विकास के लिए बोर्ड को लिख करके एक भी शब्द नहीं दिया कि हमारे वार्ड के अंदर ये कराओ। हम लोगों ने ही सोच करके या हमारे लोगों ने ही सोच करके वहाँ पे विकास के कार्य करवाए। ये जो आरोप लगा रहे हैं विकास कार्य पुष्कर में नहीं हुआ, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि विकास कार्य नहीं हुए पुष्कर के अंदर। 10 सालों में बहुत विकास कार्य हुए, विशेषकर इस 1 साल के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, जिसके अंदर काफी अच्छे विकास कार्य और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। आपका इन 10 सालों में ऐसा कौन सा आपने मतलब माइलस्टोन क्या है आपके कार्यकाल का, ये बताएं। कीर्तिराज पुष्कर के अंदर 2500 वार्ड के अंदर हमने काम कराया। 20 सालों से अंबेडकर सर्किल की मूर्ति खंडित थी, हमारे एससी भाइयों के कहने से हमने अंबेडकर मूर्ति खंडित मूर्ति को हटा करके अष्ट धातु की मूर्ति बनाई, जिसको आज सब लोग देख रहे हैं। बेड़े के अंदर भी काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। दूसरी हमारा मध्य पुष्कर था तीर्थस्थल, जिसकी दीवारें टूट गई थी और वह करीब करीब लुप्त हो रही थी, उसकी दीवारें बनाकर उसका पुनरुद्वार किया। हमारे वार्ड नंबर 16 के अंदर प्राचीन केदारनाथ भगवान का मंदिर था, उसका हमने जीर्णोद्धार करवाया 5 लाख रुपए खर्च कर करके। हमने तीर्थों का विकास कार्य, धार्मिक स्थलों का विकास कार्य कराया और मैंने प्रत्येक वार्ड के अंदर 5-5 लाख रुपए खर्च किए। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के पार्षदों ने एक ने भी उस राशि को प्रयोग में नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के अंदर लगाए। जो विकास के लिए जो कार्य होने थे, जो आज तक 5 साल के अंदर इन्होंने उठा करके नहीं देखे, जो परिक्रमा मार्ग जहाँ रोज हमारी माताएं बहनें जो हमारे भाई लोग जो वृद्ध लोग जो परिक्रमा करते हैं पुष्कर आज की, जो इसके लिए आते हैं श्रद्धालु भी और लोकल भी, आज तक उनके पांवों के अंदर छाले हो रहे हैं, आज तक वो 5 साल के अंदर रोड नहीं बने। दूसरा, ये जो डूब क्षेत्र के अंदर ये जो पट्टे जारी कर रहे हैं, जो स्वीकृति जारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनर्थ है, ये बिल्कुल पुष्करराज की मर्यादा के खिलाफ कार्य किया है इन्होंने। और इस बोर्ड की एक लास्ट मीटिंग थी, इसमें से 2 प्रस्ताव रखे गए थे। एक प्रस्ताव था विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का। हम कांग्रेसी पार्षदों का यही मांग थी, हम ये जैसे आज 4 महीने 5 महीने से कांग्रेस के किसी भी वार्डों में ये विकास कार्य नहीं निकाले, ना पहले भी नहीं निकाले। जो निकले हुए विकास कार्य थे उनके टेंडर जो जारी थे, आज तक उनके वर्क ऑर्डर नहीं दिए। वर्क ऑर्डर दे भी दिए तो ठेकेदारों को इनके द्वारा मना कर दिया गया कि ये ठेके आप काम नहीं करोगे। दूसरा ये था प्रशासन शहरों के संघ के पश्चात, प्रशासन शहरों के संघ अभियान पश्चात में हमारी ये मांग थी कि आपने कितने पट्टे जारी किए, कितने नामांतरण आपने दिए गए और कितने आपने भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई। बहुत सारी प्रतावली ऐसी लगी है जो डूब क्षेत्र में, हमारा एक विरोध था कि डूब क्षेत्र की प्रतावलियों को रोके, राज्य सरकार को उनको भेज दिया जाए, यह हमारी मांग थी। इसलिए मीटिंग बैठी कि वार्डों में विकास के कार्य हो, लेकिन हमारे वार्ड में एक भी विकास के कार्य नहीं हो रहे, 5 सालों में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। तो आपने मीटिंग में ये बात रखी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। क्या भाई सुने, बस पॉइंट फोर पढ़ो, बस बहुत मस्त पास हो रहे। आप क्या लिख के लेकर आए आज पोस्टर? पहली बार आप पार्षद बने 5 साल पहले, 5 सालों तक जो मीटिंग हुई इसमें क्या महसूस किया आपने? क्या आप महसूस कुछ नहीं है, हमारा कुछ काम हुए वार्ड का तो ये सोचे कि भाई हम पार्षद हैं, हम वार्ड में जाते हैं तो बोलते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ। अब काम हुए तो अच्छा लगे ना कि वार्ड में हम पार्षद हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि भाई तब के हमारे कुछ नहीं हो रहा है काम तो।